जहां पूरा देश कोरोना वायरस से युद्ध लड़ रहा है, कोरोना वायरस से मरीजों की संख्या देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है, दिन प्रतिदिन मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम कोरोना वायरस से मरीजों की आंकड़ा की बात करें तो 1350 से भी अधिक जो है मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। पूरा देश में लॉकडाउन है, घरों में रहने की सलाह दी जा चुकी है और सभी लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। पूरे तरीके से रेल यातायात, हवाई यातायात या सभी बड़े बड़े कंपनियों पर तालाबंदी हो चुकी है। इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में अगर बात करें तो सबसे निचले पायदान पर आ चुकी है। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि हर साल नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। इस बार भी किसी भी प्रकार का नए वित्तीय वर्ष में बदलाव नहीं किया गया है। इस बार भी नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही शुरू होगा, यानी कि नए वित्तीय वर्ष 2020-21 का शुरुआत हो चुका है। इस नए वित्तीय वर्ष में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। यह नए वित्तीय वर्ष में आपकी जेब ढीली हो सकती है। बैंक को लेकर, टैक्स को लेकर इस प्रकार इतने सारे बदलाव हो चुके हैं कि आपको जानना बेहद जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार नए टैक्स वैकल्पिक व्यवस्था की ऐलान किया है, यानी कि नए वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था की ऐलान की है जिसमें किसी भी प्रकार का छूट का लाभ नहीं मिलेगा। नए टैक्स व्यवस्था हालांकि वैकल्पिक है, अगर करदाता चाहे तो पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार से भी अपना आयकर जो है अदा कर सकते हैं। नए टैक्स स्लैब के अनुसार से मैं आपको बता दूं कि जिनका भी सालाना 5 लाख रुपया आय है उनका किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। जिनका आय 5 लाख रुपया से अधिक है, यानी कि 5 लाख से 7.5 लाख रुपया है, उनको 10% टैक्स दर में रखा जाएगा और जिनका 10 लाख से 12.5 लाख रुपया है सालाना आय है तो उनका जो है आपको 15% के टैक्स स्लैब में रखा जाएगा और जिनका 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में है उनका 20% टैक्स दर के स्लैब में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से नए टैक्स का जो वैकल्पिक व्यवस्था है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया है। ऐसे ही तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें। धन्यवाद।